नमस्ते, आज हम बनाएंगे बिस्किट से केक। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक चॉकलेटी बिस्किट हैप्पी हैप्पी का ले रहे हैं। इसको पहले हम सारा तोड़ लेंगे, एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके पीस लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम एक या दो चम्मच या तीन चम्मच चीनी डालेंगे पिसी हुई। फिर इसको हम एक अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्किट मिलकर देखिए कितना अच्छा पाउडर बन के तैयार हो गया है मेरा। अब हम गैस पर कढ़ाई रख करके नमक रख डालते हैं उसमें प्री हीट करने के लिए। एक स्टैंड डाल करके गर्म करने के लिए रख देते हैं। जिसमें केक का बैटर डालना हो केक टिन में, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। या आपके पास अगर बटर पेपर हो तो बटर पेपर लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही मैदे का डस्ट कर देते हैं हम। अब हम केक का बैटर तैयार करने के लिए मिक्सी का पाउडर हम निकालते हैं एक बॉल में, और फिर इसमें हम आधा कप दूध मिलाते हैं धीरे धीरे। रूम टेम्परेचर पे किया हुआ दूध है मेरा, पहले से बॉयल किया हुआ है। फिर धीरे धीरे इसको हम वन साइड से मिलाते हैं, कुछ देर हम इसको फेटेंगे। इसमें अब हम एक चम्मच इनो डालेंगे, बिना फ्लेवर वाला, यहाँ नींबू का हम डाल रहे हैं। अगर इसकी जगह पे आप बेकिंग पाउडर, चाय खाने वाला सोडा भी आधा चम्मच आप डाल सकते हैं। इसको कट वर्क में ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस एक मिनट अच्छी तरह से इसमें मिला करके केक टिन में हम डाल देंगे। अब हम बैटर को केक टिन में डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से टैप करके गैस पे हम चढ़ा देते हैं एक स्टैंड डाल करके। फिर हम अच्छे से ढक देते हैं। 30 मिनट या 35 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे कि पका कि नहीं अच्छे से। 30 मिनट के बाद हम इसको देख रहे हैं नाइफ की सहायता से, देखिए एकदम क्लीन निकल रहा है मेरा, पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, ठंडा होने के बाद ही इसको निकालेंगे क्योंकि गर्म में टूट जाता है। अब मेरा स्पंजी केक बनके एकदम तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और बताइए कि कैसा बना।